Once again, I'm Ravi Singh, your GS mentor, welcoming you all once again on Unacademy, India's largest learning platform. So, guys, how are you? Please tell me, आप सभी लोग कैसे हैं? और प्लीज बताइए, am I audible? Am I visible to all of you or not? चलिए, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ वेरियस क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी विच आर वेरी हेल्पफुल. वेरी गुड इवनिंग सौरभ. विच आर वेरी हेल्पफुल इन ऑल योर एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक CDS, FCAT, CEPF, एयरफोर्स, नेवी, नीट, सभी तरह के एग्जामिनेशंस में आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, द टर्म हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया आर रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग. हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया शब्द किससे संबंधित हैं? बॉडी फेट से, फैट से, ब्लड शुगर से, मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, गैलेक्टोज और रेस्पिरेशन. बताइए, दो शब्द है हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया, रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग. नीचे दिए गए चीजों में से ये किससे मैच करता है? हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया आर रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग. किससे रिलेटेड है ये? ब्लड शुगर से. ठीक है, हाइपर का मतलब क्या होता है? जब भी हाइपर वर्ड आता है इट मीन्स हाई और मोर, ज्यादा. जब ब्लड शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसको कहा जाता है हाइपरग्लिसेमिया. हाइपोग्लिसेमिया में हाइपो का मतलब क्या होता है? लो. जहां पे शुगर लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है. शुगर लेवल कम हो जाता है उस कंडीशन को हाइपरग्लिसेमिया कहा जाता है, हाइपोग्लिसेमिया. और जब शुगर लेवल ज्यादा हो जाए, ब्लड शुगर लेवल की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको कहा जाता है हाइपरग्लिसेमिया, हाई ब्लड शुगर, लो ब्लड शुगर एंड हाई ब्लड शुगर. क्लियर सभी को? चलिए, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, तो हेलो एवरीवन, आई एम रवि सिंह, योर जीएस मेंटर, वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन ऑन अन एकेडमी. आई एम योर जीएस मेंटर एंड आई विल प्रिपेयर यू फॉर ऑल ऑफ योर एग्जामिनेशन लाइक CDS, एफकेट, सीपीएफ, एनडीए, नेवी, ऑल द एग्जामिनेशन. वी आर हियर टू क्रैक द CDS, एफकेट, सीपीएफ लाइक एग्जामिनेशन ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन एकेडमी. गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस द अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स. यू विल गेट हियर डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस ऑन अन एकेडमी एंड ऑल्सो द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस. यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं और साथ ही साथ मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस. करना क्या होता है आपको? डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप कोर्स, शुरू करें अपनी जर्नी टुवर्ड्स योर गोल्स, टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, टुवर्ड्स योर लाइव क्लासेस विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स. अनलॉक द फ्री कॉन्टेंट विद माई रेफरल कोड रवि यूएन. इस रेफरल कोड के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? अपने फ्री कॉन्टेंट्स को, फ्री क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं आपके डेमो सेशंस को. साथ ही साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं वेरियस क्विजेस को जो अन अकेडमी के हैं. यहाँ आपको मिलते हैं मोर देन 1423 कोर्सेस ऑफ वेरियस कैटेगरीज, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, CDS, एफकैट, सभी तरह के कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं. और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ. चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपके सामने. विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन प्लेस मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग डॉर्मेंसी इन सीड्स. निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों में सुप्तावस्था स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एथिलीन, जिब्रेलिन, एबिसिक एसिड और ऑक्सिन. जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा इनमें से. विच
ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। सी सौरभ गोस्वामी का आंसर आया सी एबिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। एब्सिसिक एसिड इज द करेक्ट। नो प्रदीप, नो बच्चे, डी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। देखिए एथिलीन एथिलीन क्या होता है, प्लांट्स के अंदर ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस रूप में पाया जाता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाने में ये सहायता करता है। ऑक्सिन का काम क्या करता है, हमारी ये प्लांट्स की रूट्स को, रूट्स एंड एपिकल बड्स को ग्रो करता है, एपिकल्स को ग्रो करता है, ग्रोथ करता है उसकी। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का अपना काम होता है, जिब्रेलिन का अपना काम होता है, ये क्या करता है, शूट्स को बढ़ाता है, शूट्स जो ऊपर का तना होता है, तना जिसको हम रूट कहते हैं, रूट शूट्स कुछ भी कहा जा सकता है, उनको बढ़ाने में ये हेल्प आउट करता है, ठीक है। एबेसिक एसिड क्या होता है, ये क्या है, इनहिबिटर होता है, ग्रोथ इनहिबिटर, वृद्धि अवरोधक कहा जाता है इसको, वृद्धि अवरोधक। ये क्या करता है, पौधों की वृद्धि को रोकता है, बट तभी पौधे एक स्पीड पे एक टाइम के बाद रुक जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि हेलो ब्रजेश कुमार, एबिसिक एसिड का काम क्या होता है, पहली चीज तो ये वृद्धि को रोकता है, दूसरा क्या करता है, सीड्स के अंदर डोरमेंसी लाता है, यानी कि पौधों को सुला देता है। राधे राधे अरविंद, अनुरागिनी सिंह, वेरी गुड इवनिंग, खुश रहिए, खूब तरक्की करिए, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, राधे रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ठीक है, ये क्या करता है, डोरमेंसी लाना है, सुप्त अवस्था लाता है, यानी बीजों को सुला देता है। हेलो सागर, गुड इवनिंग, प्रदीप कुमार, खुश रहिए। अब जब बीज सो जाते हैं, जब बीज सो जाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है भाई, जो उनके अंदर अंकुरण होता है, अंकुरण रुक जाता है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, बीजों को स्टोर कर पाते हैं, बीजों को हम स्टोर कर पाते हैं। वेलकम एसके, हेलो, कैसे हैं आप, तभी हम उनको लंबे टाइम तक स्टोर कर पाते हैं। एबेसिक एसिड हैज बीन फाउंड टू द प्रेजेंट इन मेटाजोन्स फ्रॉम स्पॉन्स अप टू मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये कहाँ पाया जाता है, एबिसिक एसिड जो है मेटाजोन्स में पाया जाता है, स्पंज में पाया जाता है, और मनुष्यों सहित सभी मैमल्स के अंदर पाया जाता है। एबीए शूट, एबिसिक एसिड इन द शूट कहाँ पाया जाता है, शूट में पाया जाता है, जो क्या करता है, स्ट्रोमेटल क्लोजर इन सीड प्लांट्स, रिडक्शन ऑफ लीफ मेसोफिल कंडक्शन, रिडक्शन ऑफ लीफ हाइड्रोलिक कंडक्शन, इंडक्शन ऑफ लीफ सेंसेक्सनेंस, कंट्रोल ऑफ लीफ एक्सपेंशन, इंडक्शन ऑफ क्यूटिकुलर वैक्स फॉर्म्स, इनहिबिटेशन ऑफ शूट ग्रोथ। क्या करता है, मैं भी बिल्कुल अच्छा हूं इसके। पहली चीज, जो शूट्स होती है, देखो इनको क्या कहा जाता है, ये रूट्स होती हैं, और ऊपर वाले पार्ट को शूट्स कहा जाता है, जड़ के ऊपर वाले पार्ट को शूट बोला जाता है। ये शूट को एक्सपेंशन को रोकता है, पत्तियों के साइज को रोकता है, लीफ के एक्सपेंशन को रोकेगा, लीफ के सेंसेसनेस को रोकेगा, कंट्रोल करेगा, लीफ के हाइड्रोलिक कंडक्शन को क्या कंडक्टेशन को क्या करेगा, रोकेगा। इसके अलावा एबी क्या करता है, इंडक्शन ऑफ रूट एलोंगेशन, जड़ों को भी ये कंट्रोल करता है, ज्यादा फैलने नहीं देता है। इनहिबिटेशन ऑफ लेटरल रूट फॉर्मेशन, बाद में जो रूट्स फॉर्म होती है, बाद में जो इनकी कलिकाएं निकलती है, इस तरह से ये क्या फैलती चली जाती है, ऐसे करके ये फैलती चली जाती है, इनको बढ़ने से रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज करेक्टराइज
बाय कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्मृति की पूर्ण हानि की विशेषता है? विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टराइज बाई कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी? एमनेसिया, सिजोफ्रेनिया, हेलो अखिलेश चौरसिया, अल्जाइमर, पैरकिंसंस। बताइए किस रोग में व्यक्ति पूरी तरह से सारी याददाश्त भूल जाता है, कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी होता है? विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टराइज बाई कंप्लीट लॉस ऑफ, ए शायद, ओके, सुधीर रे, सी अल्जाइमर, थर्ड का सी। चलिए, जिन लोगों ने सी बताया है, इसमें क्या होता है, जो अल्जाइमर डिजीज होती है इसमें क्या होता है, व्यक्ति को याददाश्त तो चली जाती है, उसकी याददाश्त जाती है लेकिन थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए चली जाएगी, वापस आ जाएगी, जाएगी वापस आ जाएगी। आप सभी ने मूवी देखी होगी उरी, उरी मूवी सभी ने देखी है? नहीं देखी? उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, स्ट्राइक, उसके अंदर जो विकी कौशल है, जो विकी कौशल है, उस विकी कौशल की माँ को क्या था, अल्जाइमर ही तो ना, विकी कौशल की माँ को अल्जाइमर था। वो क्या करती थी, एकदम से सब कुछ भूल जाती थी और अचानक से उसे सब कुछ याद आ जाता था। अल्जाइमर के अंदर क्या होता है, याददाश्त जाती है लेकिन थोड़े ही टाइम के लिए, और थोड़े टाइम के बाद वापस आ जाएगी, सडनली चली जाएगी, सडनली आ जाएगी। लेकिन एमनीशिया के अंदर क्या होगा, कंप्लीट, ओके अनुरागिनी, एमनीशिया के अंदर क्या होगा, कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी होगा, उसे कुछ भी याद नहीं होगा, ना ही कभी कुछ याद आता, जब तक उसे पूरी तरह से ट्रीट ना कर दिया जाए, पूरी तरह से उसकी बीमारी ठीक ना हो जाए। जब तक वो बीमार रहेगा तब तक वो कंप्लीट लॉस हो चुकी होगी, उसकी मेमोरी कुछ भी याद नहीं रहता है। एमनेसिया रेफर्स टू ए लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू इलनेस, भाई कोई ज्यादा बीमारी है, कोई लंबी बीमारी है, कोई इंजरी हो जाए, या ज्यादा कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या करता है, नशीली दवाओं का दुरुपयोग करता है, तो उसकी याददाश्त क्या होती है, चली जाती है, उसकी याददाश्त चली जाती है। जैसे ये व्यक्ति जमीन पे लेटा हुआ है, इसकी याददाश्त जा चुकी है, ये कौन है, पीके भैया है, ये कौन है, पीके भैया, ठीक है, ये पीके भैया है। जी सौरभ बिल्कुल सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिरोसिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स? सिरोसिस एक बीमारी है जो निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? जल्दी से आंसर करें, मैं 1 मिनट में आया। चलिए भाई देखें किस किसने सही आंसर दिया है, किस किसने सही आंसर दिया है। 4 का बी, बी अनुरागिनी सिंह, सौरभ ए, चलिए भाई एसके, मनीष बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, मनीष एंड एसके। सौरभ आपका आंसर गलत है भैया, किडनी में नहीं होता है, किडनी में नहीं होता है, लीवर के अंदर बीमारी होती है सिरोसिस, और सिरोसिस किस कारण से होती है, कोई व्यक्ति अगर कम से कम 10 साल से, एक डिकेड से, एक डिकेड मतलब एक दशक से बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा है, एक्सेस अल्कोहल लेता है, तो उसको क्या हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है। इसमें क्या होता है, लीवर डैमेज हो जाता है, इसमें लीवर डैमेज हो जाता है, और जब लीवर डैमेज होगा, लीवर डैमेज होगा तो क्या होगा, लेट स्टेज ऑफ स्कैरिंग फाइब्रोसिस, और इसकी सिरोसिस की जो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज जिसमें व्यक्ति मर ही जाता है, बचता नहीं है, उसको कहा जाता है फाइब्रोसिस ऑफ लिवर कॉज बाय मैनी फॉर्म्स ऑफ लिवर डिजीज एंड कंडीशंस। हेपेटाइटिस एंड क्रोनिक अल्कोहल अब्यूजेस आर फ्रीक्वेंट कॉजेस। दो कारण हो सकते हैं, या तो हेपेटाइटिस हो गया हो उस व्यक्ति को, हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी हो गया हो, येलो जॉइंटिस हो गया हो या व्हाइट जॉइंटिस हो गया हो, दोनों के कारण से क्या हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, या क्रोनिक अल्कोहल, लंबे समय से, मैंने जैसे बताया एक लंबे समय से शराब का दुरुपयोग अक्सर होने से सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस के कारण क्या होता है, लीवर डैमेज हो जाता है, सिरोसिस के कारण
लीवर क्यों होता है डैमेज? देखो लीवर का काम क्या है, लीवर के अंदर से कुछ जूसेस वगैरह सीक्रेट होते हैं। अब अल्कोहल के अंदर क्या होता है, स्प्रिट होती है, स्प्रिट अल्कोहल के एक्चुअल में स्प्रिट है। अब जो वो स्प्रिट इस पे आती है भाई डाइजेशन के लिए आती है, पेट में आएगी तो वो क्या बनाएगी, एसिड बनाएगी। वो क्या बनाएगी, एसिड बनाएगी। उसके अंदर ऐसी चीजें होती है जो इसको कट करना शुरू कर देती है, इसको तोड़ना शुरू कर देती है, इसको जलाना, इसको गलाना शुरू कर देती है। इस वजह से क्या होगा, लीवर काम करना बंद कर देता है, लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, और जिसको क्या कहा जाता है, सिरोसिस कहा जाता है। और जब लीवर डैमेज हो जाए तो उसको वापस सही नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गेन है, लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गेन है जिसके अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर किसी व्यक्ति का लीवर सही खराब हो जाए तो उसको क्या किया जाता है, दूसरा लीवर का, किसी व्यक्ति के लीवर का कोई टुकड़ा, मान लीजिए ये लीवर है, इस लीवर में से इतना सा पीस काट के दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगा दिया जाए, दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगा दिया जाए। ये क्या करेगा, धीरे 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 वापस अपनी फॉर्म में आ जाएगा, और छोटा सा जो टुकड़ा लगा है वो क्या करेगा, पूरे के पूरे लीवर का वापस निर्माण कर लेता है, वापस पूरे लीवर का निर्माण कर लेता है। बहुत तेजी से अंदर इनके अंदर सेल डिवीजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में अधिवृक्क ग्रंथियों का सही स्थान है? अबव द किडनी? प्रदीप बच्चे आपके आंसर में बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं प्रदीप, आपकी क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दे रहा हूं मैं। आपका आंसर थोड़ा लेट आ रहा है, आपका आंसर थोड़ा लेट आ रहा है। ओके प्रदीप, चलिए बताइए, एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथियों का सही स्थान क्या है? किडनी के ऊपर होती है, किडनी के नीचे होती है, मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपर होती है, या पैनक्रियास के पास होती है? एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? फिफ्थ का ए। ओके इसके सौरभ आंसर करे, अनुरागिनी का आंसर डी आया है। ओके सौरभ आपका आंसर नहीं आया अभी तक। प्रदीप आंसर करे, सौरभ गोस्वामी, प्रदीप, प्रदीप का भी डी आया है। चलिए भाई आप दोनों लोगों का गलत है, जिन्होंने भी डी बताया है उनका गलत है। ठीक है सौरभ बिल्कुल सही आंसर है आपका, एसके आपका बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ होता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है। देखो हमारी जो किडनीज होती है कैसी होती है, बीन्स की तरह होती है, राजमा की तरह होती है। ठीक है इस बॉडी के पोर्शन के ऊपर यहाँ पे ऐसे एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जाती है, दोनों किडनीज के ऊपर क्या पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है ये क्या है? देख रहे हैं आप, ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, और ये हमारे क्या है, किडनी से। ईच एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, फॉर्मिंग ए हैट लाइक स्ट्रक्चर ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। क्या करती है, टोपी की तरह एक स्ट्रक्चर बनाती है, हैट की तरह एक स्ट्रक्चर बना लेती है। ईच एड्रिनल ग्लैंड हैज टू पार्ट्स विज आउटर कॉर्टिकल पोर्शन एंड इनर एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो बाहर वाला पोर्शन होता है इसको आउटर बोला जाता है, इनर वाला अंदर वाला। ठीक है फर्दर देयर इज ए सेंट्रल पार्ट कॉल्ड एड्रिनल मेडुला, जो बीच वाला भाग होगा, जो सेंटर वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको बोला जाता है एड्रिनल मेडुला, इनको बोला जाता है एड्रिनल मेडुला, जिसे अधिवृक्क मज्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ टोकोफेरोल लीड्स टू स्टेरिलिटी इन मेल्स एंड फीमेल्स, द पॉपुलर वर्ड फॉर टोकोफेरोल इज? टोकोफेरोल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन होता है, टोकोफेरोल के लिए लोकप्रिय शब्द कौन सा है? विटामिन B3, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए। आवाज क्लियर नहीं आ रही है भाई, किसी और को भी प्रॉब्लम है क्या, ये मेरी वॉइस ना क्लियर आ रही हो, ऐसा किसी के साथ और प्रॉब्लम है? सौरभ, प्रदीप, अनुरागनी, एसके, ऋषिकेश का कहना है मेरी आवाज नहीं आ रही है, क्या किसी और को भी वॉइस की प्रॉब्लम है? टोकोफेरोल की कमी से, नो ऋषिकेश, में भी आपकी तरफ नेट का इशू होगा बच्चे, इसी वजह से आपकी तरफ ये प्रॉब्लम हो रही है। इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से भाई, टोकोफेरोल क्या है? ए होना चाहिए,
सिक्स का डी विटामिन ई। बी सौरभ गोस्वामी, बी विटामिन के। नहीं भाई, करेक्ट आंसर इसका है विटामिन ए, विटामिन ए। वेरी गुड इवनिंग अर्जुन, क्या बात है भाई, आप हर बार गुड मॉर्निंग ही करते शाम में आके। ठीक है, विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है, जिसको टोकोफेरोल कहा जाता है। इसकी कमी से क्या होती है, पुरुष कभी बाप नहीं बन सकता और औरतें कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, पांच कहा जाता है। मॉर्निंग में अनुरागनी, मेरी क्लास नहीं होती, मेरी क्लास यूट्यूब पर डेली नाइट में ही होती है, 8 o'clock, 8 PM पे। ठीक है, विटामिन ई जो टेकोफेरोल्स आर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स कंपाउंड्स मैनी ऑफ विच हैव विटामिन ई एक्टिविटी। क्या होता है, टेकोफेरोल जो होते हैं कार्बनिक रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है, जिनमें से कई में विटामिन ई मौजूद होता है। टोकोफेरोल की कमी से पुरुष और महिलाओं में बांझपन होता है। टोकोफेरोल के अंदर अल्फा बीटा गामा ये रेस पाई जाती है, चार अलग अलग रूपों में मौजूद होता है। जब जागो तभी सवेरा, चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए भाई, वेरियस कोर्सेज चल रहे हैं, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month एंड 24 months के। 1 month की फीस है मात्र 1584 रुपए, 1584 रुपीज। 12 month की, 24 months की फीस है 12,672। इसमें आपको मिलती है पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं, साथ ही साथ आपको मिलता है ऑफलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस। ऑफलाइन क्लासेस, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में आप अपने डाउट्स को अपनी आवाज में, अपनी वॉइस में, अपने टीचर से, अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं, सेम इसी तरह से अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसा एक ऑप्शन दिया जाता है, जहां पे आप अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज को अपने एजुकेटर से लाइव क्लास के दौरान अपनी वॉइस में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है, यानी एक बार आपने कोर्स परचेज कर लिया उसके बाद क्या होता है, आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। आने वाले 24 महीनों में जितने भी बैचेस अन अकेडमी पर आएंगे आपकी कैटेगरी में, उन सभी बैचेस के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलता है 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी, बाय यूजिंग माई कोड। मेरा कोड यूज करने से आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके बाद आपकी फीस हो जाती है 11,405 रुपीज। इस पेमेंट को आप EMI से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, UPI के माध्यम से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, जिस भी सुविधा से आपको अच्छा लगे आप उससे पे कर सकते हैं। प्राइस हाइक होने वाली है, इससे अच्छा बेहतर ऑफर आपको नहीं मिलेगा। अपने घर पर, अपनी फेवरेट जगह पर बैठ कर आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं आना जाना नहीं, आपका पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा। और 20% का डिस्काउंट चल रहा है कॉम्बो ऑफर्स पे, जो जितनी भी आपके रिटर्न और SSB की तैयारी अगर आप साथ में करना चाहते हैं, तो 24 months की कोर्स फी है 16,960 रुपीज। यहाँ भी आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट बाय यूजिंग माय कोड रवि यू। आफ्टर दैट योर फी विल बी 15,264। इसको आप EMI से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी माध्यम से पे कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इन ह्यूमन हार्ट इज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रेक्शन दैट सेंड द ब्लड थ्रू द सर्कुलेशन। मानव हृदय में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संकुचन के लिए उत्तरदायी है, जो रक्त को परिसंचरण के माध्यम से भेजता है। बताइए, लेफ्ट एट्रियम, बोथ आट्रिया, राइट वेंट्रिकल या बोथ वेंट्रिकल्स, किनकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त परिसंचरण होता है, मानव हृदय के अंदर परिसंचरण किसकी वजह से होता है, किन कारणों से होता है, जल्दी से आंसर करना है इसका। लेफ्ट एट्रियम से, बोथ आट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से या बोथ वेंट्रिकल से। अर्जुन, SK, अनुरागिनी, सौरभ, प्रदीप आंसर करें। ए, लेफ्ट एट्रियम। ओके, 7 का ए, SK का भी आंसर ए आ रहा है। बिल्कुल क्लियर होगा अनुरागिनी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा बच्चे, टेंशन ना लो आप।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ वेंट्रिकल्स, बोथ वेंट्रिकल्स। देखो ब्लड सर्कुलेशन कौन करता है, यहाँ पे हमारे तीन वॉल्व होते हैं जिनको कहा जाता है ट्राइकस्पिड, यहाँ होते हैं दो जिनको कहा जाता है बाइकस्पिड, यहाँ पे अवोटिक वॉल्व और अवोटा, अवोटिक वॉल्व और अवोटा। क्यों नहीं पता भाई सौरभ, आप तो कई बार कर चुके हैं इस चैप्टर को, 2 से 3 बार आप कर चुके हैं, आप कैसे कह रहे हैं आपको नहीं पता। ये हमारे हार्ट का सर्कुलेशन है, साइकिल है, सर्कुलेशन साइकिल। अब यहां पे क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये दो होती है जो हमारी बॉडी से सभी ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है। अब यहाँ पे ब्लड आया तो कहाँ आया, हार्ट के पास ही तो आया, हार्ट में आया। जब यहां से ब्लड बाहर होगा, ब्लड बाहर होगा तभी तो सर्कुलेशन होगा, यहां से ब्लड बाहर निकला तो किससे निकला, राइट वेंट्रिकल से, किसके पास गया, लंग के पास। लंग ने इसमें से क्या किया, CO2 को आउट कर दिया, CO2 को आउट कर दिया और ऑक्सीजन को इन कर दिया, ऑक्सीजन को इन कर दिया, ब्लड प्योर हो गया। वापस कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहां से अवोटा के माध्यम से बाहर निकला और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स के पास शुद्ध रक्त पहुंच गया, शुद्ध रक्त पहुंच गया और इससे क्या हुआ, सर्कुलेशन। जब ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा, जब ब्लड हार्ट के बाहर जाएगा तभी तो सर्कुलेशन होगा सौरभ। बाकी सभी लोग कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों को इतनी अच्छे से मैंने बताया है, ईच हाफ ऑफ द हार्ट हैज टू चैम्बर्स, एन आट्रियम एंड ए लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल। द फंक्शन ऑफ द वेंट्रिकल इज टू पंप ब्लड इनटू सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या करना है, पंप करना है, उसको बाहर निकालना है, बाहर निकलेगा तभी तो संचरण होगा। चलिए देख रहे हैं, सुपीरियर वेना कावा जो क्या करती है, हमारे चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से से, चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड को लेकर आती है। इन्फीरियर वेना कावा कहां से लेके आती है, चेस्ट के नीचे वाले पार्ट से, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी अवोटिक वॉल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये सब कुछ यहाँ पे मौजूद। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, प्रकृति में नेचर में सबसे ज्यादा मौजूद कार्बनिक यौगिक कौन सा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या सेलुलोज। चलिए आंसर करें इसका जल्दी से, स्वरागिनी, अनुरागिनी, सौरभ, एसके, ऋषिकेश, प्रदीप, आंसर नहीं आ रहा भाई किसी का भी। क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, सेल्यूलोज पाया जाता है, और सेल्यूलोज से क्या बनी होती है, प्लांट की वॉल, सेल वॉल, प्लांट की जो सेल वॉल्स होती हैं किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है, प्लांट्स है, सबसे ज्यादा क्या है, प्लांट्स, और जब प्लांट्स सबसे ज्यादा है तो सेल्यूलोज भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, सेल्यूलोज होगा। सेल्यूलोज इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर, इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट फाइबर, प्लांट के रेशे में पाने जाने वाला फाइबर में पाया जाने वाला प्रमुख घटक है। प्लांट्स कंटेन एन एवरेज ऑफ 33% सेल्यूलोज एंड कॉटन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ 90%। कॉटन का जो पौधा होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा 90% सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज कितना पाया जाता है, 90%, बाकी प्लांट्स में कितना होता है, 33% सेल्यूलोज पाया जाता है। चलिए, बाइल इज कलेक्टेड इन, पित्त कहाँ एकत्र किया जाता है, किस जगह, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, ड्यूडेनियम कैनाल में या स्प्लीन में। बाइल इज कलेक्टेड इन, पित्त कहाँ एकत्र किया जाता है, लीवर में, पित्ताशय की थैली में, ड्यूडेनियम नहर में या प्लीहा में। जल्दी से आंसर करें, एसके, सौरभ, अनुरागिनी।
आंसर लेट आ रहे हैं आप लोगों के। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? पित्ताशय की थैली, गॉल ब्लैडर। बाइल जूस कौन बनाता है? लीवर बनाता है। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। हमारे यकृत के द्वारा बाइल जूस बनाया जाता है, जो क्या काम करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ये ड्यूडेनियम कैनाल के पास जाके कनेक्ट होता है। देखिए, ये लीवर हो गया, ये गॉल ब्लैडर हो गया। इस गॉल ब्लैडर के साथ में क्या होती है? एक कॉमन डक्ट आती है, कॉमन डक्ट आती है। ये यहां से आके यहाँ स्टोर हो जाता है। बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और जब इसे जरूरत पड़ती है स्टमक के अंदर जाने की, तो ड्यूडेनियम वाले पार्ट से ये यहां से जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंच जाता है और फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल एंड इमल्सिफायर लिक्विड इज मेड बाय द लीवर एंड लेटर स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर एंड रिलीज्ड इन द ड्यूडेनम। बाइल इज कंपोज्ड ऑफ बाइल सॉल्स, कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल पिगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट डेफिनेशन ऑफ टिट्रिकल। निम्नलिखित में से कौन टिट्रिकल की सबसे अच्छी परिभाषा है? ए हाइब्रिड प्लांट, ए मेन मेड सीरियल, ए मेन मेड हाइब्रिड सीरियल नॉट फाउंड इन नेचर। एक हाइब्रिड प्लांट है, एक मानव निर्मित अनाज है, एक मानव निर्मित संकर अनाज प्रकृति में नहीं पाया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? ट्रिटिकल, ट्रिटिकल क्या है? Which among the following is the best definition of critical? 10 का सी, एसके का आंसर आया 10 का सी। ए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। एक ऐसा अनाज, एक हाइब्रिड अनाज, ऐसा अनाज जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, नेचर में नहीं मिलेगा, जिसको डेवलप किया गया है, जिसको डेवलप किया गया है केमिकल्स द्वारा, फर्टिलाइजर्स द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा। ट्रिटिकल इज अ मेन मेड हाइब्रिड सीरियल नॉट फाउंड इन नेचर। इट इज ए हाइब्रिड वीट एंड राई एंड वाज फर्स्ट ब्रेड इन लेबोरेटरीज ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी इन स्कॉटलैंड एंड जर्मनी। सबसे पहले इनको कहाँ उगाया गया था? जर्मनी और स्कॉटलैंड में, जर्मनी और स्कॉटलैंड में उगाया गया था। और ऐसे होते हैं, गेहूं और राई का एक संकर है जिसको नेचर में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज पिंक आई। निम्नलिखित में से किस रोग को पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है? कंजक्टिवाइटिस, मायोपिया, एस्टिगमेटिज्म, प्रेस बायोपिया। कंजक्टिवाइटिस, मायोपिया, एस्टिगमेटिज्म या प्रेस बायोपिया, क्या सही होगा इसका? पिंक आई, पिंक आई। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज पिंक आई? आंसर करें एस के, प्रदीप, सौरभ। 11th का डी। इसका करेक्ट आंसर है कंजक्टिविट्स, कंजक्टिविट्स। पिंक आई और कंजक्टिविट्स इज एन इरिशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा। इसमें क्या होता है? जो हमारा कंजक्टिवा होता है वो सूज जाता है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिससे क्या होता है, जो व्हाइट पार्ट होता है हमारी आंखों का, आई बॉल का जो सफेद पार्ट होता है, उसको ये ढक लेता है, उसको ये ढक लेता है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, आंखें लाल हो जाती है, गुलाबी हो जाती है। और ये किस कारण से होता है? या तो किसी एलर्जी की वजह से, या किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है। इनका कारण क्या हो सकते हैं? पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। जैसे हम बाहर निकल रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स है, उनसे भी क्या हो जाता है? कंजक्टिवा सूज जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कॉज हाइड्रोफोबिया, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफोबिया का कारण, हाइड्रोफोबिया का कारण कौन बनता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वॉर्म कीड़ा। बी सी नहीं भाई, ये वायरस से होने वाली एक डिजीज है, वायरस से होने वाली डिजीज है जिसमें क्या होता है, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता या कोई बंदर अगर आपको काट लेता है, अगर आपको कोई बिल्ली, कुत्ता या बंदर काट लेता है तो आप किसके शिकार हो जाते हैं, रैबीज की। और ये वायरस होता है जो इन जानवरों के अंदर पाया जाता है, ये वायरस होता है जो इन जानवरों के पास होता है, जिससे क्या होगा, व्यक्ति को पानी से डर लगने लगेगा। हाइड्रोफोबिया विच इज ऑल्सो नोन एज रैबीज इज ए वायरल डिजीज दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन इन ह्यूमन, मनुष्यों के अंदर क्या होगा, दिमाग के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। एंड अदर मैमल्स, सम ऑफ द अर्ली सिम्टम्स कैन इंक्लूड फीवर एंड टिंगलिंग एट द साइट ऑफ एक्सपोजर, क्या होगा, पैर सुन्न या हाथ सुन्न, जहां पे भी कुत्ते ने, बंदर ने, बिल्ली ने काटा है वहां क्या होगा, आपका पैर सुन्न हो जाएगा, आपको फीवर आ जाएगा, और बाद में एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि व्यक्ति कुत्ते की तरह भौंकने लगता है और इंसानों को काटने लग जाता है, जहां पे उसका ब्रेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता उसे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MON863 इज ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेराइटी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, मोहन 863 निम्नलिखित में से किसकी आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किस्म है, सोयाबीन, मेज, राइस और टोमेटो। मोहन 863 इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेराइटी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, तो करेक्ट आंसर क्या है, मेज, मक्का। मक्के को कहा जाता है MON863, मक्के की एक वैरायटी होती है जिसको MON863 कहा जाता है, ये क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैरायटी ऑफ मेज प्रोड्यूस बाय मोनसेंटो, मोनसेंटो द्वारा उत्पादित किया गया है, इट वाज जेनरेटेड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी मेज सेल, कल्चर लाइन 8824 विद ए MLUL रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट फ्रॉम प्लाज्मिड PVZMIR13 यूजिंग पार्टिकल एक्सेलरेशन टेक्नोलॉजी, कैसे बनाया गया है इसको, यह कण त्वरित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपोप्रोटीन्स विच आर द लार्ज मोलिक्यूल्स एंड विच ट्रांसपोर्ट्स द कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड स्ट्रीम्स आर, लिपोप्रोटीन जो बड़े अणु होते हैं जो रक्त प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल का परिवहन करते हैं, क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स, क्या होगा करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लिपो प्रोटीन विच आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड विच ट्रांसपोर्ट्स द कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड स्ट्रीम, सी 14 का ए, 14 का सी, करेक्ट आंसर है सी, बिल्कुल सही आंसर है प्रदीप आपका, प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, देखो नाम से ही पता चल रहा है, लिपोप्रोटीन्स यानी कि लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स,
लिपिड्स मतलब फैट, लिपिड मतलब फैट, फैट्स के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, लिपिड्स कहा जाता है। ए लिपोप्रोटीन इज ए बायोकेमिकल असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड फोर फैट मॉलिक्यूल्स हुज प्राइमरी पर्पस इज टू ट्रांसपोर्ट हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, जो उसको पानी से डर लगेगा, ये वसा में घुलनशील होते हैं, ऐसे लिपिड होंगे जो फैट में ही घुलेंगे। हाइड्रोफोबिक लिपिड मॉलिक्यूल्स इन वाटर एज इन ब्लड प्लाज्मा और अदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, जो रक्त प्लाज्मा या अन्य बाह्य तरल पदार्थ में मौजूद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुगर अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रिस्पेक्टिवली। चीनी अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड क्रम से किसके घटक है, पॉलीसेकेराइड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट के, वसा के, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। चलिए आंसर करें। प्रदीप, एसके, सौरव, बी ए, बिल्कुल सही आंसर सौरभ, बिल्कुल सही आंसर है। पॉलीसेकेराइड प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड को, शुगर को क्या कहा जाता है, शुगर को क्या कहा जाता है, पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो इन तीनों के ही तो नाम है, ये इन तीनों के ही तो नाम है। न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण खंड होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स जिनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैल्पोप्राइट एंड विटामिन B12 आर रिस्पेक्टिवली एज फॉलोज। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, चाल्कोपिराइट और विटामिन B12 में पाए जाने वाले तत्व क्रम से कौन कौन से, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट और कॉपर। 16 का बी, एस के। सौरभ का आंसर ए आया, बिल्कुल सही आंसर है बी, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई एक बात बताओ, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में क्या मौजूद होता है, आयरन, तो सबसे पहले क्या हो गया, आयरन हो गया। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके बाद चौथा तो आपको पता ही है, विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट किस में होता है, B12 में। बचा क्या, तीसरा यानी कि कॉपर। तो सीरीज क्या बची, सबसे पहले आयरन, फिर मैग्नीशियम और लास्ट में कोबाल्ट, बीच में कौन आ गया, कॉपर आ गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी सही होगा, बी इज करेक्ट आंसर। द एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैल्पोर, चाल्कोपोराइट, विटामिन B12 आर रिस्पेक्टिवली आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर एंड कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग क्लियरली डिस्क्राइब अ सिल्वर फिश, निम्नलिखित में से कौन सिल्वर फिश का स्पष्ट रूप से वर्णन करता है, यह एक मछली है या एक पंखहीन कीट है, एक एंथ्रोपोडा है या एक मेंढक है। चलिए आंसर करें इसका, सौरभ का आंसर ए, ज्ञान का बी। तो बिल्कुल सही आंसर है ए, विंगलेस इंसेक्ट। ये क्या होता है,
एक कीड़ा होता है, मछली नहीं होती है, एक कीड़ा होता है जिसके कलर कैसा पाया जाता है, सिल्वर कलर का पाया जाता है। इसके पंख निकले होते हैं मछलियों की तरह, इसकी मछलियों की तरह, जैसे मछलियों के अंदर क्या होते हैं पंख होते हैं ना, पंख वगैरह होते हैं कोने उनके ऊपर, उसकी तरह ये दिखते हैं, लेकिन इनके क्या होते हैं, एक कीट होता है जिनके अंदर पंख नहीं पाए जाते, जिसका नाम है लैपिस्मा सैक्रीना, लैपिस्मा सैक्रीना के नाम से जाना जाता है। और एक ही छोटा आदिम पंख रहित कीट है जो जिंग टोमा, जिंगे टोमा के क्रम में है, और ये कैसा हल्के भूरे रंग का होता है, और इसकी गति मछली की तरह दिखती है, जब ये चलता है तो मछली की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम सिल्वर फिश है। Which among the following is a character of chloroplast which makes them qualified to self replication? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उन्हें आत्म प्रतिकृति के योग्य बनाता है? प्रेजेंस ऑफ डीएनए, प्रेजेंस ऑफ आरएनए, प्रेजेंस ऑफ ओ डीएनए आरएनए, एब्सेंस ऑफ ओ डीएनए। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, जिस वजह से क्लोरोप्लास्ट क्या कर पाता है, सेल्फ रेप्लिकेशन कर पाता है, अपनी जैसी एक और प्रतिकृति बना लेता है, अपनी जैसा एक और जीव का जन्म कर लेता है, क्योंकि इसके पास डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होते हैं, इसके पास डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होते हैं। प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए इन क्लोरोप्लास्ट मेक्स देम क्वालिफाइड टू सेल्फ रेप्लिकेशन। क्लोरोप्लास्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए। दिस डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, ए फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरियम दैट वाज इनकर्ब्ड बाय एन अर्ली यूकैरियोटिक सेल्स। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए आरएनए दोनों मौजूद होता है, उनकी उपस्थिति में ही ये क्या करते हैं, आत्म प्रतिकृति करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनके पास क्या पाया जाता है, अपना डीएनए होता है, और इसके अलावा किसके पास डीएनए मौजूद होता है, इन दोनों के अलावा किसके पास, न्यूक्लियस के पास, केंद्रक के पास भी अपना डीएनए और आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉर्क सेल्स आर इंपरवियस टू वाटर। Which among the following is responsible to give this quality to cork? Cork कोशिकाएं जल के प्रति अभेद्य होती हैं। Cork को यह गुण देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? सेल्यूलोज, क्यूटीन, सुबेरिन और ग्लूकोज। कॉर्क सेल्स के अंदर ऐसा कौन सा पिगमेंट, ऐसा कौन सी चीज पाई जाती है जिसकी वजह से क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, वाटर रेजिस्टेंस होते, या इम्परवियस टू वाटर होते तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सुवेरिन। सुवेरिन क्या पाया जाता है, सुवेरिन पाया जाता है। कॉर्क सेल्स आर इम्परवियस टू वाटर, ये क्या होते हैं, पानी के लिए अभेद्य होती है। सुबेरिन इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव दिस क्वालिटी टू द कॉर्क। सुबेरिन इसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है इन पौधों को। सुबेरिन, क्यूटीन एंड लिग्निन्स आर कॉम्प्लेक्स हायर प्लांट एपिडर्मिस एंड पेरिडर्म सेल वॉल मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव बैरियर। ठीक है, उच्च पौधों में एपिडर्मिस, पेरिडर्म सेल वॉल, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक सुरक्षात्मक अवरोधक बनाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मेक्स द कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इजी एंड यूज मोर वाइडली। निम्नलिखित में से कौन कॉर्निया प्रत्यारोपण को आसान बनाता है और अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? कॉर्निया आर इजीली अवेलेबल, कॉर्निया डज नॉट लिंक अप विद ब्लड वेसल्स, बोथ ऑफ द एबव रीजन, नन ऑफ द एबव। क्या होगा इसका सही आंसर, तो
क्या होगा, कॉर्निया डज नॉट लिंक अप विद ब्लड वेसल, कॉर्निया ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट नहीं होता है, कौन कनेक्ट होता है, रेटिना कनेक्ट होती है। एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट आल्सो कॉल्ड एज केराटोप्लास्टी, इसको क्या कहा जाता है, केराटोप्लास्टी कहा जाता है, इज ए सर्जिकल प्रोसेस प्रोसीजर टू रिप्लेस पार्ट ऑफ योर कॉर्निया विद कॉर्नियल टिश्यू फ्रॉम ए डोनर। जो भी नेत्रदान करता है, जो नेत्रदान करता है उसकी उससे क्या लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया लिया जाता है। कॉर्निया डज नॉट लिंक अप विद ब्लड वेसल्स, दिस मेक्स द कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इजी एंड यूज मोर वाइडली। इस वजह से आंखों को, किसी की आंखें नहीं, अगर आप उसको आंखों पर डोनेट करते हैं, आई डोनेट करते हैं, तो वो देख सकता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स विच ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की किस तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है, हरा और नीला, लाल और हरा, नीला और लाल, लाल या पीला। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स विच ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की कौन सी किरणों को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, नीला और लाल, लाल और नीले रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन कलर को वापस भेज देता है, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, ग्रीन ब्लू और रेड को एब्सॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सेल्स सेल ऑर्गेनेलीज इज एसेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए आवश्यक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम्स। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इनमें से कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है या आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय शोषण के लिए आवश्यक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या, बिल्कुल सही आंसर है सौरभ, बिल्कुल सही आंसर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब क्या, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनरेटिंग क्लस्टर्स ऑफ आयरन एंड सल्फर। ये देखो सेलुलर रेस्पिरेशन के अलावा क्या करता है, आयरन और सल्फर के क्लस्टर्स बनाता है। आयरन एंड सल्फर आर इंपॉर्टेंट कन्फेक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ मैनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स के उत्पादन में ये क्या है, बहुत सहायक होता है। चलिए, फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, दीर्घ दिवसीय पौधों में पुष्पन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ऑक्सिन से, जिब्रेलिन से, साइटोकाइनिन से, एथिलीन से, किससे संबंधित है। फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जिब्रेलिन। भाई देखो लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से होते हैं, फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट इज रिलेटेड टू द जिब्रेलिन। लॉन्ग डे प्लांट्स यूजुअली फ्लावर व्हेन द नाइट लेंथ फॉल्स बिलो देयर क्रिटिकल फोटो पीरियड। भाई देखो जब रात के समय रातें लंबी होती है उनका फोटो पीरियड कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, मैनी ऑफ आवर समर ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड गार्डन वेजिटेबल्स आर लॉन्ग डे प्लांट्स, जब रातें लंबी होती है तो फ्लावरिंग ज्यादा होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच मेक्स देम क्वालिफाइड टू सेल प्रेपरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उन्हें आत्मप्रतिकृति, ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज एरोमेटिक ड्राइड फ्लावर बड्स ऑफ ए ट्री, निम्नलिखित में से कौन एक पेड़ की सुगंधित सूखे फूल की कलियां है, ब्लैक पेपर, क्लोव, क्यूमिन, नन ऑफ द एबो। निम्नलिखित में से कौन एक पेड़ की सुगंधित सूखे फूल की कलियां हैं, काले मिर्च, लौंग, जीरा या इसमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, लौंग, क्लोव। क्लोव्स आर एरोमेटिक ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ ए ट्री, क्लोव्स आर नेटिव टू इंडोनेशिया एंड यूज्ड एज ए स्पाइस इन क्यूजाइन
ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इनको मसालों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्लोव्स आर नाउ हार्वेस्टेड प्राइमरली इन इंडोनेशिया, मेडागास्कर, जंजीबार, पाकिस्तान, श्रीलंका। दे आर ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया अंडर द नेम ऑफ लवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्स लिंक्ड करेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्स लिंक्ड करेक्टर नहीं है? कलर ब्लाइंडनेस, बॉल्डनेस, एस्थमा या नन ऑफ द एबव। सी इज राइट, बिल्कुल सही। अस्थमा, अस्थमा क्या है? फंजाई से होने वाला एक रोग है, फंजाई से होने वाला एक रोग। कलर ब्लाइंडनेस और बॉल्डनेस दोनों कैसे है? जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जो क्या होते हैं, जन्म के साथ ही हमारी बॉडी में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। निम्नलिखित में से किसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहा जाता है? आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को या सीरम। सी बिल्कुल सही आंसर है। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये क्या होती है? हमारी सोल्जर सेल्स होती है, सोल्जर सेल्स, जो हमें क्या जीवाणुओं से, विषाणुओं से बचाती है। आरबीसी का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स। थ्रोम्बोसाइट्स विच आर ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट्स आर ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच हूज फंक्शन इज टू रिएक्ट टू ब्लीडिंग फ्रॉम ब्लड वेसल्स इंजरी बाय क्लम्पिंग देयर बाय इनिशिएटिंग ए ब्लड क्लॉट। प्लेटलेट्स क्या करती है? ब्लड क्लोट करने में सहायता करती है। जब भी हमें कोई कट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई बाउंड आ जाता है, तो उस जगह पे पहुंच कर वहां पे क्या करवाना? ब्लड क्लोटिंग करवाना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज आर द स्टेजेस ऑफ द ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के चरण है? समसूत्रण, अर्धसूत्री विभाजन, अलैंगिक प्रजनन, यौन प्रजनन या सेल्फ चयापचय। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज आर द स्टेजेस ऑफ विच ऑफ द। सो द करेक्ट आंसर इज माइटोसिस एंड मियोसिस, समसूत्रण और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। माइटोसिस इज अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत इकाई है। समसूत्रण के दौरान एक कोशिका अपने गुणसूत्रों सहित अपनी सभी सामग्री को दोहराकर दो समान बेटी कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित हो जाती है। एक सेल होती है, ये क्या करती है? अपने सभी जितने भी इसके ऑर्गन्स होते हैं, न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोसोम्स हो गए, डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, उनको क्या करता है? डबल करता है और एक से दो में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वेरियस स्टेजेस होती हैं। जब ये डिवीजन के लिए जाती है तो वेरियस वेरियस स्टेजेस होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। एक्टिनोमाइसिड्स आर गुड सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्टिनोमाइसिड्स निम्नलिखित में से किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन्स का, एंथिस्टामिन्स का, एंटीबायोटिक्स का या एंटीबॉडीज का।
एक्टिनोमाइसेट्स आर गुड सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या होती है? एंटीबायोटिक्स बनती है, और ये क्या होता है? एसिटिनो बैक्टीरिया होता है, एसिटिनो बैक्टीरिया, जो कि एक फाइलम है, कैसा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी इसके अंदर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है, दैट कैन बी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ये जल में भी रह सकते हैं और पानी पर भी रह सकते हैं। इट इज नॉन टू प्रोड्यूस ए वाइडली वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मेडिकली रिलेवेंट कंपाउंड लाइक एंटीबायोटिक्स। ये क्या करते हैं? इनसे एंटीबायोटिक्स बनती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। द कल्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द प्लांट्स ऑन वेस्टलैंड हैज ए पोटेंशियल टू जनरेट बायोफ्यूल इन लार्ज क्वांटिटी? बंजर भूमि पर किस पौधे की खेती में बड़ी मात्रा में जैव ईंधन उत्पन्न करने की क्षमता होती है? जेट्रोफा कर्कस, कैपिफेरा लैंक्स डोरोफी, कैमलिना सैटिविया, नन ऑफ द एबव। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? जेट्रोफा कार्कस। ये कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल अमेरिका और साउदर्न अमेरिका में, साउदर्न अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में, मैक्सिको वगैरह में पाए जाते हैं पौधे। और ये क्या करते हैं? बंजर भूमि पर भी फूल खिलाकर उनसे बायोफ्यूल जनरेट किया जा सकता है। अमेरिकी उष्णकटिबंधीय मूल की ये प्रजातियां होती है। चलिए आज की क्लास यही एंड करते हैं, मिलेंगे कल फिर से सेम टाइम पे 8 o'clock एक नए टॉपिक के साथ। सुबह मॉर्निंग में 9 AM से आप सभी लोग जुड़े, सुबह 9 AM से फिर से क्लास है, एक इकोनॉमिक्स की क्लास है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, तो मॉर्निंग की क्लास में भी आप लोग जुड़े। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। ईश्वर आप सभी लोगों का कल्याण करे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।